हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़। आज भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर भाजपा का जन आक्रोश यात्रा के तहत मां घेराव है, जिसमें सम्मिलित होने आए। सर, आपको उपनेता प्रतिपक्ष से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है, किस तरह देखते हो? जमीनी कार्यकर्ता हूं, बरसों से जो भी जिम्मेवारी दी संगठन ने उसको पूरा करने की कोशिश की है। अब चुनावी साल के अंदर जो चुनावी सन्निकट है, तो अब LOP लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेवारी मिलना निश्चित तौर पर बड़ा काम है। इस बड़े काम को शिद्दत से करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं समझता हूं कि अब सदन का एक सत्र होगा मात्र, पर सदन के बाहर भी सरकार की बखियां उधेड़ने के लिए हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं, जनता के बीच में जाएंगे और सरकार के चेहरे से पर जो नकाब लगाकर सरकार जन कल्याणकारी सरकार होने का ढोंग रच रही है, वो नकाब इनके चेहरे से खींचेंगे ताकि इनकी असलियत सामने आ जाए। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफ़ी घोषणाएं की, चिरंजीवी योजना, गैस दर सस्ती हो, OPS के बारे में भी कहा है, उसके लिए भाजपा के पास क्या तोड़ है? देखिए, अभी इन्होंने गैस के सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी की बात इन्होंने कही थी। आज इनका वित्तीय वर्ष समाप्ति भी हो गया, अप्रैल का महीना भी प्रारंभ हो गया, अभी वो पोर्टल ही तैयार नहीं हुआ, किस प्रकार कैसे सब्सिडी मिलेगी, क्या इसका मैकेनिज्म होगा। मैं समझता हूँ कि घोषणा करना और फिर उनको अमली जामा नहीं पहनाना इस सरकार की पुरानी आदत रही है। ये धरातल पर नहीं उतरेंगी, ये आभासी बातें हैं, और आभासी बातों का यथार्थ जब नीचे नहीं आता तो गुस्सा दुगना फूटता है। आज तक इस सरकार ने चाहे किसान के कर्जे माफ़ी की बात की हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात की हो, इन सारी योजनाओं के साथ साथ चाहे बिजली के अंदर सब्सिडी देने की बात की हो, सारी योजना धरातल पर नज़र नहीं आती, कागजों में नज़र आती है। ये इसी प्रकार इन योजनाओं का असर भी यही होने वाला है। सर, ब्राह्मण महा सम्मेलन हुआ, उसके बाद आम जनता कह रही, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को बनाया, राजपूत सम्मेलन हुआ, आप उपनेता प्रतिपक्ष से नेता प्रतिपक्ष बने, सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया, अब क्या वसुंधरा राजे को क्या चुनाव कैंपेन समिति का अध्यक्ष बना रहे, क्या आपके बाद ये संगठन में क्या बदलाव हो, किस कार्यकर्ता के पास क्या दायित्व हो, ये फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करता है। इसमें ना जातीय सम्मेलन के साथ कोई बात जोड़ के देखी जानी चाहिए, ना दूसरे किसी को, ये जातीय आधार पर कोई फैसला होता नहीं, ये कार्यकर्ताओं की भूमिका के आधार पर और कार्यकर्ताओं के की पृष्ठभूमि के आधार पर फैसले होते हैं। उसी के नाते हम लोगों को जिम्मेवारियाँ बदली हुई परिस्थितियों में मिली है, जिसको हम बड़ी बेखूबी से निभाने की कोशिश करेंगे। आपको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद आपके समर्थक सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है कि अब CM के दावेदार, किस तरह? मैं समझता हूँ कि अगर कोई, पहली बात तो मेरा कोई समर्थक इस प्रकार की बेवकूफ़ी भरी बात करेगा नहीं, ना मैं पहले कभी मुख्यमंत्री का दावेदार रहा ना रहूँगा। ये हमारा काम सिर्फ एक ही है, सरकार की विदाई करना, और उसके बाद हमारा संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा, जिसकी ताजपोशी करेगा, उसके साथ मजबूती से खड़ा होना ये हमारा कर्तव्य रहेगा, इसलिए ये सब बातें कपोल कल्पित है। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़, जिन्होंने कहा कि पहला काम हमारा सरकार की विदाई करना है, न मैं मुख्यमंत्री का पहले दावेदार था, नहीं रहूँगा। ये दावेदार चुनाव होने के बाद विदाई दल की बैठक होती है और संसदीय बोर्ड इनका नाम तय करता है, उसके बाद ही जो संसदीय बोर्ड नाम तय करता है उसी के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। सोमदत्त त्रिपाठी, ETV भारत।